बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए 3 आलू, उनकी स्किन हटाकर उनको वॉश करके और कट करके यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा हमें चाहिए 1/2 टीस्पून के करीब हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, और नमक चाहिए 1/4 टीस्पून। ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑयल हमने गर्म पे रखा हुआ है, इसको मिक्स करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं लगाना है, वरना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए ये। बस ये मिक्स हो गए, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें फ्राइज डालते हैं। ये फ्राई होंगे अच्छे से। ये देखें, फ्राइज रेडी हो गए। बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना है। बस ये हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इन्हें निकाल कर। फ्राइज हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो आप इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये हमारे पास एक एल्युमिनियम का कंटेनर हमने लिया, इसमें हम फ्राइज डालेंगे थोड़े से। ये डाल दिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये हमने शिमला मिर्च और गाजर थोड़ी सी बॉईल करके रखी हुई है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कच्ची ले लेते तो कच्ची कच्ची रहती, तो ये हमने बॉईल कर लिए थोड़े से पानी में। ये इसमें ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। ये डालेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी प्याज हमने काट के रखी हुई थी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है। कुटी मिर्चें डालेंगे थोड़ी सी, और ऑरेगानो लीव्स डालेंगे। ये मोज़रेला चीज़ और चेदर चीज़ हमने मिक्स करके इसको ग्रेट करके रखा हुआ, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब दोबारा से इस पर फ्राइज डालेंगे। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप लेकर उसके अंदर कुटी मिर्चें और ऑरेगानो लीव्स डालकर उसको मिक्स करके फ़ौरन इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। ये हम पूरी इसमें डाल देते हैं, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून के करीब होगी, ये इसमें डाल देंगे। और बाकी की जो बची हुई वेजिटेबल्स हैं ये भी इसमें डाल देते हैं। कुटी मिर्च ऐड करेंगे, और बाकी के जो बचे हुए फ्राइज़ हैं ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं। और जो चीज़ है हमारे पास ये डालेंगे इसके ऊपर। बस ये चला गया। ब्लैक ऑलिव्स हम डालेंगे। बस ये रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली हुई है, इसे 5 मिनट पहले हमने गरम पे रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसके अंदर अपने पिज़्ज़ा फ्राइज़ ये रख देते हैं। इसके अंदर हम ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डाल देते हैं, और ऑरेगानो लीव्स डाल देते हैं थोड़े से, और इसे कवर कर देंगे 5 से 8 मिनट के लिए। कवर करके इसको स्लो फ्लेम पर बिल्कुल रख देते हैं ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए अच्छे से। 5 मिनट हो गए, ये देखें चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, मज़ेदार किस्म के पिज़्ज़ा फ्राइज़ तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।